अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज की वीडियो में आप लोगों को सिखाऊंगा कि आप फेसबुक की रील्स को कैसे शेयर कर सकते हैं। चाहे आप अपनी बनाई हुई फेसबुक रील्स को शेयर करना चाहते हैं या किसी और की बनाई हुई फेसबुक रील्स को शेयर करना चाहते हैं, तो इन फेसबुक रील्स को कैसे शेयर करेंगे ग्रुप्स में या पेजेस पर। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली बार मेरे चैनल नॉलेज जोन को विजिट कर रहे हैं और आइंदा भी इस तरह की इंपॉर्टेंट टेक्निकल इंफॉर्मेटिव वीडियोज देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब करते वक्त साथ लगे घंटी के निशान पर लाजमी क्लिक करें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। मौजूद नाज़रीन, सबसे पहले अपनी फेसबुक आईडी को ओपन करें और टॉप राइट कॉर्नर पर 3 डैशेज नज़र आ रही होंगी आपको, इन पर आप टैप करें और नीचे रील्स का ऑप्शन है यहाँ टैप कर दें। यहाँ जाने के बाद आपको फेसबुक रील के ऊपर एक लोगो नज़र आ रहा होगा, आपकी अपनी आईडी का लोगो होगा, उस पर आपने टैप करना है। तो आप अपने माई रील्स वाले ऑप्शन में पहुँच जाएंगे, यहाँ जो रील आपने शेयर करनी है उस पर टैप करें और नीचे 3 डॉट्स आपको नज़र आ रहे होंगे, यहाँ टैप करें तो मुख्तलिफ ऑप्शन आपके पास आएंगे, जिनमें एक ऑप्शन है शेयर योर स्टोरी, इसी तरह नीचे शेयर इन अ ग्रुप, शेयर टू अ पेज। तो आपने अगर ग्रुप में शेयर करना है तो उस पर टैप करें, तो पेज पे शेयर करना है तो उस पर टैप करें। मैं जैसा कि अभी ग्रुप में शेयर करता हूं तो फेसबुक रील्स का एक ग्रुप मेरे सामने आ गया है, मैंने ऑलरेडी ज्वाइन किया हुआ है, तो मैं उस पर टैप करूंगा तो खुद ब खुद शेयर का ऑप्शन आ जाएगा। ये देखिए, यहाँ पर मुझसे पूछा जा रहा है कि आप यहाँ पर इस फेसबुक की रील को कोई टाइटल दें, जिस तरह मैं यहाँ लिख देता हूँ एटीट्यूड वीडियो, एक्स वाई जेड आप कुछ भी लिख सकते हैं, और एटीट्यूड वीडियो के बाद यहाँ पोस्ट का एक ऑप्शन है, इस पर आप टैप कर दें तो आपकी जो वीडियो है वो पोस्ट हो जाएगी ग्रुप्स में ऑटोमेटिकली। अब अगर आप किसी पेज पर इसी वीडियो को शेयर करना चाहते हैं तो नीचे 3 डॉट्स आपको नज़र आ रहे होंगे, इन पर टैप करें। टैप करने के बाद शेयर टू अ पेज करें, उसके बाद आपका जो पेज होगा उस पर सामने आपका लोगो आएगा, आपके पेज का नाम आएगा, उस पर टैप करें और नीचे टाइटल दे दें कोई भी, जिस तरह की आपने वीडियो बनाई है, जिस तरह की यहाँ मैंने लिखा है। इसके बाद पब्लिश का एक ऑप्शन आपको नज़र आ रहा होगा, इस पर आप टैप कर दें तो आपकी जो पोस्ट है वो शेयर हो जाएगी। देखिए स्क्रीन पर नीचे आपको लिखा नज़र आ रहा होगा यू शेयर दिस पोस्ट। अब अगर आपने किसी और की रील को, फेसबुक रील को शेयर करना है तो उसका भी यही ऑप्शन है, किसी भी फेसबुक रील को नीचे 3 डॉट्स आपको नज़र आ रहे हैं, यहाँ पर आपने टैप करके शेयर टू आ ग्रुप, शेयर टू आ पेज, जो भी ऑप्शन आप यूज़ करना चाहें वो यूज़ कर सकते हैं। जिस तरह मैं यहाँ किसी भी एक पेज पर इस वीडियो को शेयर करना चाहता हूँ तो मैंने उसका टाइटल लिख दिया पहले, अब मैं शेयर टू आ पेज कर दूंगा। शेयर टू आ पेज जैसे करूँगा तो यहाँ फेसबुक का एक पेज बनाया हुआ है मैंने, उस पर ये वीडियो पब्लिश करने से पब्लिश हो जाएगी। और अभी आपको सिंपली मैं अपने इस पेज पर दिखा सकता हूं कि ये वीडियो अभी चल रही है, ये देखिए स्क्रीन पर, ये वीडियो इस वक्त पब्लिश होकर ये वीडियो पोस्ट हो चुकी है और ये वीडियो अब लोगों तक पहुंचना शुरू हो जाएगी। तो इस तरह आप फेसबुक रील्स को शेयर कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि मेरी आज की इन्फॉर्मेशन आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी, और अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक लाजमी दीजिएगा। शुक्रिया।